गीता शास्त्र के दूसरे श्लोक में एक शब्द आता है व्यूढ़म। यह एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है व्यूह रचना, या अंग्रेजी में इसको एरे भी कहते हैं। क्या आपको व्यूह रचना का अर्थ मालूम है? व्यूह रचना क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, इसको बनाते वक्त किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला साबित हो सकता है। जय श्री कृष्ण। मैं माया वसन्नानी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके ही चैनल में, जिसका नाम है मायावी वर्ल्ड। व्यूह रचना क्या होती है? व्यूह रचना सेना में सिपाहियों को एक विशेष आकार या आकृति में खड़ा करने की या ठहराने की या सजाने की ही व्यवस्था का नाम है। इसको बनाते वक्त कई सावधानियों को, कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे सेना का फैलाव कैसा होना चाहिए, सेना के मुख्य सेनापति कौन होंगे और वो कहाँ ठहरेंगे, और वो कितने सिपाहियों को, सैनिकों का संचालन करेंगे, सेना का कौन सा विभाग कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए, और वो कितने लोगों को संचालित करेगा, कितने उसमें सिपाही शामिल होंगे इत्यादि। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कई प्रकार की व्यूह रचनाएं रची गई थी। आइए कुछ मुख्य व्यूह रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चक्रव्यूह। महाभारत का चक्रव्यूह और इज़राइल में इसे लेबिरिंथ कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भूल भुलैया भी कहते हैं। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार के मार्ग होते हैं। महाभारत में इसकी रचना द्रोणाचार्य ने युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को मारने के लिए की थी। अभिमन्यु ही इस व्यूह को भेदने में सफल हो पाया था, पर वो अंतिम द्वार को पार नहीं कर सका तथा बाद में 7 महारथियों द्वारा युद्ध के नियम के विरुद्ध उसकी हत्या कर दी गई थी। वज्रव्यूह। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन ने अपनी सेना को इस व्यूह आकार में सजाया था। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता था, इसलिए इस प्रकार के व्यूह को वज्रव्यूह कहा जाता था। अर्धचंद्रव्यूह। इस व्यूह की रचना आधे चंद्रमा के समान होती है, इसलिए इसको अर्धचंद्रव्यूह कहा जाता है। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी। मंडल व्यूह। पितामह भीष्म ने 7वें दिन कौरव सेना को मंडल व्यूह से सजाया था। यह बेहद कठिन व्यूहों में से एक था, पर फिर भी पांडवों ने इसे वज्रव्यूह द्वारा भेद दिया था। चक्रशकट व्यूह। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के पश्चात जब अर्जुन जयद्रथ के प्राण लेने को उद्धत हो गए थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए युद्ध के 14वें दिन इस व्यूह की रचना की थी। क्रौंच व्यूह। क्रौंच एक पक्षी होता है जिसे आधुनिक भाषा में डेमोसेली क्रेन कहते हैं। यह सारस प्रजाति का पक्षी होता है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह ही होता है। इसके अलावा भी और भी कई व्यूह रचनाएं होती हैं, जैसे गरुड़ व्यूह, मगर व्यूह इत्यादि। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर लेकर आऊँगी एक नया वीडियो एक अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे